उदयपुर वाटी नगर पालिका के वार्डों में बजट में मिली 6 करोड़ की सड़कों को लेकर चल रही विवाद के बीच अब नया मोड़ आ गया है। सड़कें बनाने के लिए नगर पालिका की ओर से पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में 9 सड़कों को निरस्त करके 19 नई सड़कों का प्रस्ताव PWD को भेजा गया है। बुरगुड़ी स्कूल से हरियाला तक स्वीकृत हुई सड़क का काम शुरू करवाने के लिए लोगों ने PWD कार्यालय में धरना दिया था, जहां पर एक्शन ने जानकारी दी कि नगर पालिका के ईओ ने पूर्व में भेजे गए प्रस्ताव में 9 सड़कों को निरस्त करने व 19 नई सड़कों का संशोधित प्रस्ताव भेजा है, जिसके चलते वे सड़कों का काम शुरू नहीं कर सकते। सड़क निरस्त करने के प्रस्ताव भेजने की जानकारी देने पर धरना दे रहे लोग भड़क गए और अब उदयपुर वाटी नगर पालिका ईओ के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। नगर पालिका की 13 जो सड़कें सीसी सड़कें थी, 6 करोड़ के लगभग के काम थे, और ये क्या कि नगर पालिका वाले PWD पे गए रहे थे और PWD वाले नगर पालिका पे गए रहे थे, एक तरह से फुटबॉल की स्थिति बना रखी थी, जिम्मेदारियाँ एक दूसरे पर थोपी जा रही थी। तो हमने सुबह आकर के जो IN साहब हैं उनसे कहा कि हमें वो इन जो हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे हम बात करना चाहते हैं। आदरणीय राज बहादुर जी है, नवलगढ़ से चल के आए, इनको हमने सूचित कर दिया था कि हम आपके स्तर पर कोई बात नहीं करेंगे, हम राज बहादुर जी से बात करेंगे, इनसे बहादुर सिंह जी इनसे ही हम बात करेंगे। इनसे बात हुई, इन्होंने हमें पहले जो नगर पालिका ने भेजा था प्रपोजल वो, और अभी 19 तारीख को नए ईओ आने के बाद हमें बिना किसी सूचना के, जिसमें मैं भी नगर पालिका बोर्ड का एकमात्र छोटा सा नगर पालिका का पार्षद हूँ, हमें भी उस चिट्ठी की जो संशोधित भेजी उसकी कोई सूचना नहीं थी। उन्होंने यहाँ एक लेटर भेज दिया कि जो पुराने काम थे उन सबको निरस्त कर दो और जो संशोधित लिस्ट है वो हम आपको भेज रहे हैं। बहादुर सिंह जी का कहना है कि जब तक हम तो सिर्फ एक माध्यम है, नगर पालिका इसकी मालिक है, नगर पालिका पैसा देगी, तो अगर ईओ साहब वापस से हमें वो लेटर भेज देंगे तो हम काम करने के लिए तैयार हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। आगे का विचार ये है कि नगर पालिका में जो नए ईओ साहब आए हैं उनका स्वागत करते हैं सोमवार को, उनके इस्तकबाल के लिए मारे, कल तो हमारा प्रतिनिधिमंडल ईओ साहब से मिलेगा, अगर इज्जत के साथ सुलझे हुए आदमी अवश्य, तो उनको पता नहीं किस कारण से उन्होंने बुद्धि न जाने क्या बात हुई, उन्होंने भावुकता में क्या निर्णय कर दिया, उनको लेटर भेज दिया। हम भी कल मिलेंगे, ईओ के सामने हमारा पक्ष रखेंगे, अगर शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत होती है और वो हमारे काम करते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो सोमवार से उनके खिलाफ नगर पालिका में अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जब तक ये 13 कामों के प्रपोजल जो नगर पालिका है, नगर पालिका के ईओ साहब हैं, JN है, जो कमेटी है, वो यहाँ लेटर नहीं भेजती, तब तक ये अनिश्चितकालीन चलेगा। 30-34 वार्ड की जो रोड पास हुई है 1.25 करोड़ रुपए की, इनके मायने सिर्फ धरना प्रसाद क्यों कर रहे हैं कि वह विरोधी पार्टी है, और बढ़िया रास्ता क्लियर है ही नहीं, रास्ता तो क्लियर जो पूरी से लेकर और हरियाणा तक के रास्ता क्लियर है, वहाँ पर कोई निर्माण नहीं करता, कोई दिक्कत नहीं है इस संबंध में, लेकिन विरोधी पार्टी बाहर गौड़ा कर रही है, और विरोधी पार्टी है गांव का पार्षद है, ईआर को भड़का कर बच्चे लेटर लिख दिया। आगे की क्या रणनीति है आपकी? आगे की नीति यह है कि हमारी रोड पड़ेगी तो वही पड़ेगी, हमारी ये रणनीति रहेगी कि हम ये सब बात करेंगे कल और ये सब कुछ पूछेंगे कि आपने क्या भेजा है।